देश भर में केंद्र सरकार ने 8 जून को सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी थी। हालांकि यह अनुमति केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को, राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन को दी थी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुरादाबाद के पीली कोठी स्थित मनोकामना मंदिर पर। मनोकामना मंदिर का आप ये नज़ारा देखते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सफाई कार्यक्रम चल रहा है, सफाई का कार्य चल रहा है। जो श्रद्धालु सबसे पहले यहाँ पर आएंगे वो यहाँ से जो एंट्री गेट है यहाँ से रुकेंगे, यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले जो आप ये गोल घेरे देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस के साथ बने हुए हैं। मंदिर में आने से पहले सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। मनोकामना मंदिर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की ज़्यादातर भीड़ लगी रहती है, जमावड़ा लगा रहता है, इसी वजह से ख़ास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। अब इसके बाद ये मेन गेट है मनोकामना मंदिर का। अब जब इसके बाद श्रद्धालु यहाँ से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जो आने वाले श्रद्धालु हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा इधर का नज़ारा दिखाएं, ये इस मशीन एंटी कोविड-19 हैंड्स फ्री हैंड वॉश, यानी इस मशीन से सबसे पहले जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे यहाँ सबसे पहले हाथ को सैनिटाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद हाथ को फ्रेश करेंगे, फिर उसके बाद जब श्रद्धालु यहाँ पर अंदर आ जाएंगे। देखिए ये इस तरह से एक श्रद्धालु हैं जो ये दिखा रहे हैं कर कि किस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे वो हाथ को सैनिटाइज हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करने के बाद फिर अपने जो यहाँ पर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद ये गोल सर्किल आप देख सकते हैं, ये जो गोल सर्किल है ये इसलिए बनाए हैं कि सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ख्याल रखें। मंदिर में जो श्रद्धालु आएँ वो आने के बाद ये सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ पर खड़े रहें, फिर उसके बाद जो ये एंट्री गेट है एंट्री गेट के बाद यहाँ से एंट्री करेंगे, जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसकी पूजा करेंगे, श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और अंदर जो बनी हुई प्रतिमा है उसकी पूजा करेंगे और आखिर में एग्ज़िट गेट है, यानी एंट्री गेट में आएंगे। एंट्री गेट आने के बाद वहाँ से पूजा प्रार्थना करने के बाद एग्ज़िट हो जाएंगे। और देखिए सबसे खास चीज़ यहाँ पर यह है कि सोशल डिस्टेंस के साथ हैंड सैनिटाइज़र के साथ साथ यहाँ पर सैनिटाइज़र मशीन भी लगाई गई है। मंदिर को पूरे सैनिटाइज़ किया जाएगा। साथ में मेरे साथ मंदिर के जो धर्मगुरु हैं मेरे साथ, वो बात करेंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिदत्त शास्त्री। हरिंद्र प्रसाद जी, किस तरह से व्यवस्था की गई है? बस व्यवस्था आपने देख ही लिया, ये सब और सभी व्यवस्था हाथ पैर धोने की इधर से है। इस द्वार से मतलब प्रवेश करेंगे, सब दर्शन करते हुए मतलब कि उधर मतलब साईं दरबार है वहाँ से निकास, ये व्यवस्था मंदिर कमेटी ने पूरा कर रखी है। और मैं ये इन बात भी करना चाह रहे हैं मंदिर कमेटी की मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने पूरी मंदिर में आने जाने की व्यवस्था कर रखी थी, हाथों को सैनिटाइज़ करने की व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंस की खास तौर से व्यवस्था की गई थी और मंदिर को पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया गया था। कुल मिलाकर यहाँ एंट्री गेट भी बनाया गया। कुल मिलाकर जो सोशल डिस्टेंस है उसका खास तौर पर यहाँ पर ख्याल रखा गया है। हालाँकि मुरादाबाद प्रशासन ने सभी धर्मगुरुओं की सहमति से अभी इस पर रोक लगा दी है 2 हफ्ते तक, क्योंकि कोरोना वायरस का लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए मुरादाबाद प्रशासन ने धार्मिक धर्मगुरुओं की सहमति से इस पर फिलहाल अभी 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अमृत विचार।